मानसूनी सीजन के आखिरी दौर में तेज बारिश ने फिर से प्रदेश को भिगो कर रख दिया है। एमपी में बारिश का सिस्टम एक बार फिर एक्टिव हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के कई जिलों में पिछले दो तीन दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बता दें कि शनिवार के दिन भी प्रदेश के कई जिलों में बादल जमकर बरसे। तेज बारिश के बाद एक बार फिर कई इलाकों में नदियां उफान पर आ गई हैं। मंदसौर में भी गांधी सागर डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं शिवपुरी में भी बारिश आफत की बारिश बनकर बरसी। शिवपुरी में लगातार बारिश के चलते उड़द और सोयाबीन फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने जो फसलें काट कर खेतों में ढोकर ले जाने के लिए रखी हुई थी, वो पानी में डूब गई। हालात इतने बदतर हो गए कि ट्रैक्टर और ट्रॉली भी खेतों में ही फंसे रह गए। तेज बारिश से मक्का की फसल को भी नुकसान होने की आशंका जताई जाने लगी है। वहीं शनिवार देर रात यहां के अटल सागर डैम के भी 2 गेट खोल दिए गए। डैम से लगभग 34.45 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल के कलियासोत और भदभदा डैम के गेट भी खोल दिए गए हैं। इस सीजन में प्रदेश के करीब 250 में से 200 डैम फुल हो चुके हैं। वहीं मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने शिवपुरी, गुना, विदिशा, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, इंदौर, भोपाल समेत कई जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो एमपी के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर बना बारिश का सिस्टम अब यूपी की तरफ बढ़ गया है और मॉनसून ट्रफ लाइन गुजरात से होते हुए एमपी के ऊपर से जा रही है, जिसके कारण एमपी के उत्तरी भाग के जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है और आने वाले कुछ घंटों में बारिश का दौर बना रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मौजूदा सिस्टम कमजोर हो जाएगा और बारिश का दौर थमने के आसार है। बता दें कि इस साल प्रदेश में मानसून बारिश का कोटा फुल हो चुका है, लेकिन आखिरी दौर की इस बरसात ने प्रदेश के कई इलाकों में मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मंदसौर से आकाश चौहान के साथ शिवपुरी से प्रमोद भार्गव की रिपोर्ट, एमपी तक।